गुरु जी, जैसे ये वर्ष शनि का वर्ष है, तो जैसे कुछ लोगों की कुंडलियों में शनि के कुछ प्रभाव अच्छे नहीं है, तो वो लोग इस वर्ष को अच्छे से व्यतीत करने के लिए कौन कौन से उपाय शनि से रिलेटेड कर सकते हैं? शनि का वास उन तमाम, देखिए तो व्यवस्था में शनि का वास होता है, अनुशासन में शनि का वास होता है, जुडिशली सिस्टम में शनि का वास होता है, मजदूरों में, लेबर में, भिखारियों में, गार्ड में, चौकीदारों में, झाड़ू लगाने वालों में, भीख मांगने वालों में, कि जो भी इस तरह के चीज़ हैं, इन सब में शनि का वास होता है। ऐसे लोगों से फालतू में उलझने की, पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे हम अगर बचें और उनका थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा है। और लोगों की जो भी हमारे सेवक हैं, उन सेवकों को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो आपकी ही सुरक्षा, आपकी सेवा के लिए ही कहीं चौराहे पर खड़े होकर के आपकी आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको हम छोटा आदमी समझते हैं। हमारी पता नहीं अजीब सी बात है, जो हम कूड़ा फैलाते हैं, जो हम गंदगी करते हैं, जो हम कचरा उत्सर्जित करते हैं, उत्पादित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको करने वाला तो स्वच्छ और साफ, और उसको उठाने वाला गंदा, ये अजीब सी बात नहीं है। उसको करने वाला गंदा आदमी होना चाहिए, उठाने वाला तो सफाईदार है, वो तो स्वच्छता कर रहा है, वो तो सफाई कर रहा है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ, जो दरिद्र हैं, जो वंचित हैं, जो परेशान हैं, जो दीन दुखी हैं, उन सबको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनके साथ हमें सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। दान पुण्य करने वाले लोग, अच्छे ढंग से काम करने वाले लोग, सबके सेवा भाव से काम करने वाले लोग, उनको लाभ होगा ही होगा। शनि की अपनी कुछ पोजीशंस होती हैं, कुछ चीज़ों में हम सोच रहे थे अभी अगले लाइफ से कुछ शुरू करेंगे, एकाद दुर्लभ योग के बारे में हर बार एक बात कर लिया करेंगे, तो अभी चूंकि शनि का उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, तो जिनके फोर्थ हाउस में शनि हैं, उनके कारोबार में हर 2.5 साल बाद परिवर्तन आ जाएंगे, उन्हें ठंड ज़्यादा लगेगी, उनके पास वस्त्र बहुत होंगे लेकिन पहनेंगे पुराने ही, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में चलती हैं, मतलब छोटी सी बात मैंने बताई। और प्राय वो अब उनके जो है पिता के साथ बहुत अच्छा लंबा समय नहीं बीतेगा, और गवर्नमेंट में कभी किसी बड़े पद पर वो प्राय नहीं जा पाएंगे जब तक कि 10th में बुधादित्य योग ना हो। तो ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, उसको अगर हम ख्याल में ले लेंगे तो बेहतर होगा। अभयम् भयम् भजे।